हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास टेंथ का आपका फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का, द एन्चांटेड पूल। यहाँ जैसे आप देख रहे होंगे कि राइटर हैं सी राजगोपालाचारी। ये आपका प्रोज सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले जैसे अबाउट द ऑथर है, जो राइटर है इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये इनका नाम है पूरा। 10 दिसंबर 1878 से 25 दिसंबर 1972 यानी 10 दिसंबर 1878 से 25 दिसंबर 1972 तक का इनका जीवन काल रहा। इनफॉर्मली कॉल्ड राजा जी और सीआर, इनको अनौपचारिक रूप से यानी कि पूरा नाम ना लेके अगर शॉर्ट में बोलें तो इनको राजा जी या सीआर भी कहा जाता था। वॉज एन इंडियन लॉयर, फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन एंड राइटर। ये लॉयर भी थे, फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी भी थे, पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ भी थे और एक राइटर भी थे। ही वॉज़ द फाउंडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी, इन्होंने स्वतंत्र पार्टी नाम से एक राजनीतिक पार्टी भी, दल भी बनाया था। ही वॉज़ द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज़ हाइस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। और ये पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत में मिलने वाला सबसे बड़ा सिविल अवार्ड, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न होता है, ये इनको सबसे पहले मिला था। और ही वॉज ऑल्सो निकनेम एज मार्गो ऑफ साबिर। इनको निकनेम मतलब एक दूसरा एक उपनाम जो दे दिया जाता है, वो जैसे किसी को हम उसके एटीट्यूड उसके नेचर की वजह से कुछ भी नाम दे देते हैं, तो वो इनको लोग मार्गो ऑफ साबिर के नाम से भी अनौपचारिक रूप से इनको बुलाते थे। ही रोट एन एब्रिज्ड रिटेलिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश, इन्होंने महाभारत लिखी इंग्लिश में। ही वॉज डीपली रिलीजियस एंड अ पायस पर्सन एंड फॉलोअर ऑफ द वेदास एंड उपनिषद्स। ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। पायस का मतलब होता है पवित्र या साफ सुथरे, अपने जो व्यवहार में अपने जो इनका जो एक लाइफ थी, या जिस जो लोग इस तरह के होते हैं कि जो अपना धार्मिक और सारी ये इस तरह की इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो इस तरह के व्यक्ति थे और वेदास और उपनिषद्स के फॉलोअर थे। उसको काफ़ी मतलब पढ़ते थे और उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करते थे। रिचर्ड कैसी फ्रॉम ये 1944 से 1946 में थे यहाँ पर। रिगार्डेड राजा जी एज द वाइजेस्ट वॉज इन इंडिया लिखा है, लेकिन ये वॉज मिस प्रिंट है, मैन इसकी जगह होना चाहिए, वाइजेस्ट मैन इन इंडिया। तो ये एक तरीके से जो रिचर्ड कैसी थे, ये इनको एक समय 1944 से 1946 के दौरान में ये रिचर्ड कैसी रहे, तो इन्होंने ये इनको भारत का सबसे वाइजेस्ट मतलब सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, अकलमंद व्यक्ति मानते थे। द बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट टू राजा जी वॉज फ्रॉम महात्मा गांधी, हु रेफर्ड टू हिम एज द कीपर ऑफ माई कंसाइंस। तो जो सबसे बड़ा जो एक ट्रिब्यूट एक सम्मान हो सकता था इनको राजा जी जो कि सी राजगोपालाचारी जो हुए हैं, इनको जो कोई भी दे सकता था, वो इनको महात्मा गांधी ने दिया। और उन्होंने महात्मा गांधी ने इनको कीपर ऑफ माय कंसाइंस के से पुकारा, मतलब एक तरीके से इनको माना। कीपर ऑफ माय कंसाइंस का मतलब ये हुआ, कीपर तो आप जानते हैं रक्षक जैसे बोलते हैं, गेट कीपर, स्टोर कीपर, गोल कीपर स्पोर्ट्स में होता है, गोल कीपर, विकेट कीपर। तो कीपर ऑफ माय कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब होता है इंसान के अंदर की भावना, जो उसका ज़मीर होता है। तो जो गांधी जी थे वो इनको ये कहते थे मेरे ज़मीर को, यानी कि जो अंदर से एक इंसान होता है, गांधी जी जिस तरह का इंसान अपने आप को मानते थे, उनकी भावनाओं को या उनकी चीज़ों को कोई रक्षा कर पाए या ज़िंदा रख पाए या उसको प्रोटेक्ट कर पाए, वो उस तरीके से इनको देखते थे। अब चलिए लेसन के बारे में कुछ यहाँ पर देख लिया जाए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है अबाउट द लेसन, द लेसन इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत, इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर धर्मराज, हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस। तो जो ये लेसन है ये एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत, जो उन्होंने इंग्लिश में महाभारत लिखी थी, ये उसमें से एक हिस्सा लिया गया है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है उसमें से लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट्स का मतलब वो दर्शाता है, ये जो लेसन है ये दर्शाता है कि जो युधिष्ठिर थे जिनको धर्मराज कहा जाता था,
उनका जो पेशेंस था, काइंडनेस थी, लव एंड काइंडनेस, ये सारे जो इनकी चीज़ें थी अपने ब्रदर्स के लिए, अपने भाइयों के लिए, पांडवों के लिए, उसका इससे पता चलता है। पेशेंस का मतलब धैर्य होता है, काइंडनेस का मतलब उनकी दयालुता, और लव मतलब उनका जो प्रेम था अपने भाइयों के लिए, वो इससे पता चलता है। ही प्लीजेस यक्ष गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। वो क्या करते हैं, इस जो ये पाठ दिया हुआ है इसमें ये बताया गया किस तरीके से वो यक्ष को प्रसन्न, खुश करते हैं, संतुष्ट करते हैं अपने जो उसके यक्ष के सवाल थे उनका जवाब देके। द यक्ष वॉज प्लीज्ड विद युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी। द यक्ष वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज। बींग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर्स ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपियर्ड। तो जो यक्ष था वो कौन था, यम, यम का मतलब यमराज, लॉर्ड ऑफ डेथ यानी कि मृत्यु के जिनको देवता बोला जाता है, वो यक्ष के रूप में वहाँ पर प्रकट हुए थे, जो कि वो जो तालाब था वहाँ पर। और किस लिए हुए थे, वो युधिष्ठिर की जो ज्ञान और जो इनकी, युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था, तो वो इस चीज़ का एक चेक करने, टेस्ट लेने के लिए आए थे। और जब बीइंग सेटिस्फाइड यानी जब वो सेटिस्फाइड हो गए उनके आंसर से, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और वहाँ से गायब हो गए। अब ये लेसन जो स्टार्ट होता है यहाँ पर वो है युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज। अच्छा, इसमें शुरू करने से पहले ये समझ लीजिए कि जो आप सभी लोगों को महाभारत की तो कहानी पता ही होगी कि किस तरीके से महाभारत में जो पांडव थे उनकी कौरवों से लड़ाई हुई थी, और किस बात पे लड़ाई हुई थी कि जो पांडव थे वो अपना कुछ हिस्सा मांग रहे थे जो कौरवों ने देने से मना कर दिया था, और पांडव जो है वो दर दर की ठोकरें उन्होंने खाई, फिर अपना किसी तरह से सब इकट्ठा करके ताकत वाकत फिर उन्होंने युद्ध किया, महाभारत का जो युद्ध हुआ। तो उसी टाइम पे ये जो जंगल में ये सब घूम रहे थे पांडव सारे, और वहाँ पर एक टाइम जब ऐसा आया कि पानी की प्यास लगी इन लोगों को, तो वो उनके जो भाई थे वो एक एक करके पानी की तलाश में गए और लौट के जब नहीं आए, तो तब का ये यहाँ से ये सीन स्टार्ट हो रहा है कि वो इंतज़ार कर रहे युधिष्ठिर इनका। तो युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट, कि युधिष्ठिर जो थे वो अपने भाइयों का बड़े चिंता में, और प्यास भी लगी हुई थी और चिंता भी हो रही थी, वो इंतज़ार कर रहे थे और मन ही मन ये सोच रहे थे, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। कि क्या वो, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वो किसी कर्स का मतलब होता है कोई श्राप जैसे होता है कि, तो वो ये सोच रहे थे कि क्या किसी श्राप का या किसी ऐसी चीज़ का शिकार तो नहीं हो गए कि जो उन्होंने कोई गलती कर दी हो। क्योंकि पहले ऐसा होता था ना कि जंगलों में ऋषि मुनि तपस्या करते रहते थे, और अगर कोई उनकी तपस्या को भंग कर देते वो उसको श्राप दे देते थे। तो यही युधिष्ठिर ने सोचा कि ये लोग गए थे पानी की तलाश में, अभी तक आए नहीं हैं, तो क्या हुआ हुआ इनके साथ, ऐसा तो नहीं कि ये किसी श्राप के शिकार हो गए हों, या फिर ये आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर ये अभी तक जंगल में भटक रहे होंगे पानी की तलाश में। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वो ऐसा तो नहीं कि प्यास की वजह से बेहोश हो गए हों या मर गए हों या उनकी मृत्यु हो गई हो। अनेबल टू बेयर दीज थाट्स एंड ड्रिवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट ही गेव अप वेटिंग and started out to look for his brothers and the pool hoping that he might find them। कि जब वो बिल्कुल unable to bear these thoughts, कि ये इन विचारों को जब वो बिल्कुल ही बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो गया, ये सारे जो विचार आ रहे थे उनके मन में, युधिष्ठिर के मन में जो ये सारे विचार आ गए थे, जब वो बिल्कुल ही उनका धैर्य जवाब दे गया, ये सारे विचार मन में आते रहे और चिंता बढ़ती गई और साथ साथ प्यास भी बढ़ती चली जा रही थी, प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो इन्होंने क्या करा कि इंतज़ार करना छोड़ के ये चल दिए अपने भाइयों को देखने और पूल की तरफ, कि जैसे पूल देख लें जो उसको ढूंढ ले तालाब को और अपने भाइयों को। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन
एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटिफुल ग्रीन मैडो अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर। कि युधिष्ठिर जो थे वो उस दिशा में आगे बढ़ गए जिस दिशा में उनके भाई गए थे, और जब तक चलते रहे बीच जंगल में से जहाँ पे भालू और ये जो स्पॉटेड डियर का मतलब हिरन जिनके शरीर पर स्पॉट्स थे, चकत्तेदार जो हिरन होता है उस तरह के जानवर उस जंगल में थे, बिग फॉरेस्ट बर्ड्स बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियाँ जैसे गिद्ध और ये चील वील होते हैं और ऑस्ट्रिच वगैरह बहुत बड़े जैसे चिड़ियाँ होती हैं, ये सब जानवर उस जंगल में थे, उनके बीच में से ये गुजरते हुए निकले और फिर लास्ट में टिल ही केम अपॉन जब तक चलते रहे जब तक कि ये एक ऐसे ब्यूटीफुल ग्रीन मैडो मतलब एक हरी भरी घास की एक बड़ा सा एक जगह आ गई हरियाली वाली जहाँ पर चारों तरफ हरियाली थी और बीच में एक पूल ऑफ क्लियर वाटर एक साफ पानी का एक तालाब था। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर मतलब लेकिन जब ये वहाँ पहुँच तो गए, वहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा था, एक साफ सुथरे पानी का वहाँ पर तालाब था, हरा भरा पूरा स्वस्थ मैदान था, लेकिन ये जब वहाँ पहुँचे तो इन्होंने देखा कि इनके जो भाई हैं पांडव जो बाकी थे जिसमें भीम अर्जुन और नकुल थे तो वो वहाँ पर लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स। फ्लैग पोल्स का क्या मतलब हुआ कि जो झंडों को लगाने का एक जैसे डंडा टाइप का होता है अगर उसको हम ज़मीन पर डाल दें तो कैसा लगेगा कि मतलब निर्जीव कोई चीज़ है ना जिसके अंदर लाइफ नहीं है, वो सीधा सीधा ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो जैसे कोई एक बांस बल्ली या एक कोई पोल पाइप डाल दिया जाए ज़मीन के ऊपर उस तरह से उनके जो भाई है वो वहाँ पर पड़े हुए थे। और अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब जो दुख और रेस्ट्रेन का मतलब जो इसको बर्दाश्त ना कर पाए कंट्रोल ना कर पाए, तो जब वो अपने दुख को कंट्रोल नहीं कर पाए ही लिफ्टेड हिज वॉइस इन्होंने अपनी ऊंची आवाज़ में एंड वेप्ट मतलब ऊंची आवाज़ में इन्होंने रोना विलाप करना शुरू किया दुख में युधिष्ठिर ने। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे ले टू स्टिल साइलेंट एंड मॉन्ड वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल अवर वोज जस्ट वेन अवर एक्साइल इज अबाउट टू एंड यू हैव बीन टेकन अवे Even the gods have forsaken me in my misfortune. He touched the faces of Bhima, Arjuna and Arjuna. यानी उन्होंने युधिष्ठिर ने क्या किया, भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ जो कि बिल्कुल ऐसी स्टिल पड़े हुए थे, बिना हिलडुल नहीं रहे थे वो, क्योंकि वो एक तरीके से देखने में यही लग रहा था कि वो मर चुके हैं और वो दुखी होकर ये सब बोल रहे थे कि was this to be the end of all our woes? क्या जो हमने संकल्प लिए थे शपथ ली थी किस चीज़ की कि हम अपना वापस हक लेंगे, तो उसका क्या यही हश्र होना था, यही अंत होना था। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज़ अबाउट टू एंड कि जब हमारा जो वनवास है वो पूरा होने वाला था, इनको भी कौरवों ने जो ये जुए में जो हरा दिया था तो उसमें उन्होंने यही था कि सब अपना छोड़ छाड़ के और वन में चले जाओ इतने टाइम के लिए, तो वो इनका ये पूरा होने वाला था, एक्साइल का मतलब होता है वनवास, तो ये वही कह रहे कि जब हमारा वनवास भी एंड होने वाला था ख़त्म होने वाला था और यू हैव बीन टेकन अवे तुम दूर चले गए, इवन द गॉड्स हैव फोरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, यहाँ तक कि जो ईश्वर है या देवता हैं उन्होंने भी मेरा मुझे अकेला छोड़ दिया, बेसहारा छोड़ दिया। मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है कि मेरी जो ख़राब किस्मत है, मेरा जो भाग्य बेकार है, उसमें मुझे देवताओं ने और ईश्वर ने भी कोई सहारा नहीं दिया। ठीक है, इसके बाद और एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन सो पावरफुल इनफ टू किल देम। और जैसे जब उन्होंने उनके माइटी लिम्स, लिम्स का मतलब क्या होता है, लिम्स का मतलब हाथ और पैर, तो जब माइटी का मतलब होता है ताकतवर, जब उनने उनके ऐसे भुजाओं को और इनको देखा, अंगों को देखा शरीर के जो कि काफ़ी ये लोग ताकतवर माने जाते थे, और अब कितने हेल्पलेस, नाउ सो हेल्पलेस, और अब ऐसे बिल्कुल बिना किसी उसके पड़े हुए हैं ज़मीन पे,
और ये युधिष्ठिर ये सोच रहे हैं, सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, ऐसा कौन इतना ताकतवर होगा जिसने कि इनको मार दिया। देन ही टू डिसेंडेड इन टू पूल, यानी कि फिर वो ये सब जो इनने देखा, विलाप ये कर ही रहे थे अपना दुख मनाने के बीच में, ये खुद पूल में गए क्योंकि प्यास तो लगी हुई थी। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, जब ये प्यास बर्दाश्त से बाहर हो गई और पानी से ये खिंचे चले गए तो ये पूल में उतर गए तालाब में। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वॉन्ड, एकदम से जो एक आवाज़ आई, विदाउट फॉर्म का मतलब है जो कोई आवाज़ का कोई आकार, मतलब कोई इंसान या कोई ऐसा वो नहीं था सामने जो ये जिससे समझा जा सके कि ये फलाना प्राणी ये बोल रहा है। विदाउट फॉर्म का मतलब अदृश्य आवाज़ थी वो, और उस अदृश्य आवाज़ ने इनको चेतावनी दी, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, कि तुम्हारे जो भाई थे वो मर गए क्योंकि उन्होंने मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया था। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन लोगों ने पानी पीने की कोशिश की बिना मेरे सवालों का जवाब दिए। डू नॉट फॉलो देम, आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन क्विंच योर थर्स्ट, दिस पूल बिलोंग्स टू मी। और तुम भी, डू नॉट फॉलो देम का मतलब कि एक फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, एक फॉलो का मतलब होता है कि अनुसरण करना, कि किसी के नक्शे कदम पे चलना, किसी को जैसे हम अपना एक आदर्श मानते हैं कि जो उन्होंने किया वैसे ही हम भी करेंगे, वो एक फॉलो। ये उसी तरह से ये भी हो सकता है कि पहले जो काम किसी ने कर दिया वही काम हम करने जा रहे हैं, तो वो उसको फॉलो करना कहलाएगा। तो वही जो अदृश्य आवाज़ आ रही थी उसने कहा कि तुम अपने भाइयों की तरह मत करना, पहले आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे जो क्वेश्चन है सवाल हैं उनका जवाब दो, देन यू कैन क्विंच योर थर्स्ट, फिर तुम अपनी प्यास बुझाने की सोचना बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मेरा है। चलिए फिर यहाँ हैं, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष एंड गेस्ड वॉट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग दैम बैक टू लाइफ। अब क्या है कि ये युधिष्ठिर जो थे वो समझ गए कि ये जो वर्ड्स हैं, जो आवाज़ आ रही है, वो यक्ष के अलावा किसी के भी नहीं हो सकते हैं। ही गेस्ड वॉट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, वो समझ गए कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और इस सब से वो ये भी समझ गए कि अब क्या ऐसा तरीका हो सकता है जिनसे कि अपने जो भाई हैं जिनकी जान जा चुकी है, जो निर्जीव पड़े हुए हैं ज़मीन पर, उनको कैसे दोबारा जीवित किया जा सकता है। ये भी तरकीब उनको सूझ गई इन सब शब्दों को सुनने के बाद। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, और जो एक आवाज़ आ रही थी जिसकी कोई शरीर नहीं था, सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी, अदृश्य आवाज़ आ रही थी, उससे उन्होंने कहा प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने सवाल पूछिए। द वॉइस पुट अप क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, और जो आवाज़ थी वो एक के बाद एक जो है सवाल पूछने लगी। वॉट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, ये पहला सवाल था, वॉट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, के खतरे में से इंसान को क्या बचाता है। तो इन्होंने जवाब दिया करेज, यानी कि साहस। फिर अगला सवाल, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, कि कौन से विज्ञान, किस शास्त्र को पढ़ने से इंसान जो है बुद्धिमान बन जाता है, बिकम वाइज, वाइज का मतलब बुद्धिमान। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। के उसमें ये बोला ना कि किसी शास्त्र को पढ़ने से, युधिष्ठिर ने जो दवा जवाब दिया वो ये जवाब दिया कि किसी शास्त्र को पढ़ने से इंसान बुद्धिमान नहीं बनता है, बल्कि ऐसे संगत से बनता है, कि किसी ऐसे की संगत में रहने से बुद्धिमान बनता है जो खुद एक बुद्धिमान हो। काफ़ी कोई जो जैसे कहा जाता ना कि जैसी संगत होगी वैसे ही हम भी बन जाएंगे, तो यही उन्होंने जवाब दिया युधिष्ठिर ने कि कोई किताबें पढ़ लेने से, बड़ी मोटी मोटी या कोई मशहूर किताबें पढ़ लेने से, सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होता है, बल्कि ऐसे
लोगों की संगत की जाती है, जैसे गुण हम चाहते हैं, जैसा हम बनना चाहते हैं वैसे लोगों के साथ रहना पड़ता है, ये इसका इस बात का ये मतलब हुआ। फिर द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज क्या होता है, माइंड, उन्होंने कहा युधिष्ठिर ने कि मन, जो क्योंकि अब हवा जो चलती है वो तो ठीक है बहुत तेज़ चलती है, लेकिन मन जो होता है वो एक पल में कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है। हम यहाँ बैठ के दिल्ली के बारे में, बम्बई के बारे में और कहीं भी विदेश के बारे में तुरंत सोचने लग जाते हैं। व्हाट इज़ मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे तिनके से भी, फेडेड का मतलब जैसे रंग जिसका उतर जाता हो किसी चीज़ का, मुरझा जाती है जो चीज़ है वो फेडेड, या हम ये कह सकते हैं कि मुरझाया हुआ या बोझिल टाइप का, ये क्या हो सकता है, ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे तिनके भी से भी ज़्यादा बोझिल क्या हो सकता है। अ सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, एक जो दुख से भरा हुआ, दुख से जो एक ऐसा दिल जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़े, वो उससे भी ज़्यादा बोझिल होता है। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर, एक ट्रैवलर का मतलब जो यात्रा करता है इंसान, उसका मित्र, उसका दोस्त कौन होता है, लर्निंग, ये उन्होंने बताया कि सीखना, नॉलेज या सीखने की जो बात होती है वो हमारा एक, जैसे हम कहीं यात्रा पे जाएं तो हमारा सीखने का जो एक आदत होती है वही हमारी एक दोस्त बन जाती है, उसी सीखी हुई चीज़ों से हम अपना कभी भी किसी ज़रूरत के टाइम पे अपनी सीखी हुई चीज़ से हम उस परेशानी से निपट सकते हैं। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, और जो घर पे रहता है व्यक्ति उसका मित्र कौन होता है, उसकी पत्नी, उनने जवाब दिया। हु कंपनीज अ मैन इट इन डेथ, एक जब आदमी मर जाता है तो उसके साथ क्या चीज़ जाती है, तो इनने जवाब दिया धर्म, द अलोन दैट अलोन कंपनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, कि जो मरने के बाद इंसान की जो एक यात्रा होती है उसमें धर्म ही उसके साथ जाता है और कुछ नहीं। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे जो बड़ा है विशाल बर्तन वो क्या है, तो यहाँ इन्होंने जवाब दिया द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इट्स सेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, कि जो धरती है वही सबसे बड़ा एक वेसल है, बर्तन है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। वॉट इज़ हैप्पीनेस, खुशी क्या है, प्रसन्नता क्या है, हैप्पीनेस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, कि अच्छे आचरण का जो परिणाम होता है, जो रिज़ल्ट मिलता है वो हैप्पीनेस होती है, कि जब हम अच्छे काम करते हैं, दूसरों की भलाई के काम करते हैं तो उससे हमें प्रसन्नता जो मिल, जो फीलिंग आती है वो ही प्रसन्नता है। प्रसन्नता का मतलब ये नहीं है कि कोई चुटकुला हमने सुना और हंसने लगे तो प्रसन्नता हो गई, खुशी हो गई, ऐसा नहीं है, वो तो एक टेम्परेरी चीज़ है, कॉमेडी है, वो एक बात अलग है। एक खुशी जो अंदर से मिलती है वो अच्छे आचरण से और भलाई के काम से मिलती है। वॉट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, वो क्या है जिसको छोड़ देने से जो इंसान है वो दूसरे उसको प्रेम करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, वो कौन सी चीज़ है, तो उन्होंने बताया युधिष्ठिर ने प्राइड, फॉर इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, कि अगर वो इंसान जो है वो घमंड छोड़ दे तो वो दूसरे सभी लोग उसको चाहने लगेंगे, क्योंकि जो घमंड करता है उसको कोई नहीं चाहता, हर इंसान ये मतलब दूर ही रहता है उससे, और जब घमंड कोई नहीं करता है तो उसकी रिस्पेक्ट भी होती है और लोग उसको चाहते हैं। वॉट इज़ द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, कि ऐसा कौन सा एक तरीके से नुकसान है या कोई चीज़ छोड़ तुम्हारे पास से चली जाए जिस जो जाने से हमें आनंद मिले ना कि दुख, कोई चीज़ जैसे जब खो जाती है तो उससे हमें दुख होता है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जिस जो हम खो दें अगर तो उससे हमें दुख नहीं होगा बल्कि आनंद आएगा, तो ये है एंगर, इनने जवाब दिया एंगर, इफ़ यू गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी द सब्जेक्ट टू सॉरो, बी सब्जेक्ट टू सॉरो, कि जो गुस्सा है वो अगर हम खो दें तो उससे हमें दुख नहीं बल्कि आनंद मिलेगा। वॉट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच, वो क्या है कि जिसको हम छोड़ दें तो हम इंसान अमीर बन जाएगा, उसका जवाब इनने दिया डिज़ायर,
यानी इच्छाएं। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी। अब एक बात आप लोग सब समझ लीजिए कि ये जो सवाल जवाब थे जो यक्ष के साथ हो रहे थे, ये काफ़ी ऐसी बातें इसमें छुपी हुई हैं कि जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से नहीं सीखी जा सकती, ये इन थोड़े से सवाल जवाब में हम सीख सकते हैं। जैसे अब इन्होंने जितनी भी चीज़ें ये बताई, अगर इनको ठीक तरीके से आप समझ लें तो आपको इनका सही सही मतलब समझ में आ जाएगा कि ये क्या बताने की कोशिश हो रही है। अब जैसे ये इन्होंने कहा, वॉट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच, कि क्या है ऐसा जिसको हम छोड़ दें तो इंसान अमीर हो जाएगा। अब कोई भी ये सोच सकता है कि कोई चीज़ को छोड़ देने से या त्याग देने से या वो करने से थोड़ी कोई अमीर हो जाएगा। जो चीज़ हमारे पास रखते हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे पास होंगी उतने हम अमीर कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या जवाब दिया इन्होंने, डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब इच्छाएँ। अब इच्छाएँ छोड़ देने से हम कैसे अमीर बन जाएंगे, तो इच्छाएँ छोड़ देने का मतलब ये होता है कि अगर किसी दूसरे के पास कोई हम महंगी चीज़ देखें, किसी के पास कोई अच्छा सामान है, पेन है, मोबाइल है, कोई गाड़ी है, कोई कपड़े हैं, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो कीमती है, और हम उसकी इच्छा रखते हैं कि ये हमारे पास होना चाहिए थी और हमारे पास क्यों नहीं है, तो हम क्या महसूस करेंगे, अपने को गरीब महसूस करेंगे, क्योंकि हमारी हैसियत नहीं है, हम ले नहीं पा रहे, तो यानी हम गरीब हैं। और अगर हम इच्छाएँ त्याग दें, अपनी जो मन में इच्छा उठती है, अगर हम ये सोचना ही छोड़ देंगे जो किसी और के पास है वो हमारे पास क्यों नहीं है, यानी हमें अपनी जो ज़रूरत है वो इतनी हम छोटी कर लें, इतनी कम कर लें कि हमें किसी चीज़ के ना होने से कोई परेशानी ना हो, तो हम अमीर हो गए, क्योंकि फिर हमारे पास जो भी कुछ है वो हमें इनफ काफ़ी लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो अमीरी और गरीबी का यही तो वो होता है ना फीलिंग, कि गरीब कौन होता है, जिसको ये लगता है कि जो जो उसके पास होना चाहिए वो नहीं है तो वो गरीब हो गया। अमीर कौन होता है, वो होता है कि जिसको लगता है कि जो जो उसके पास होना चाहिए सब कुछ है तो वो अमीर हो गया। अब अगर हम इच्छाएँ छोड़ देंगे तो जो भी कुछ हमारे पास है हमें ये लगेगा कि नहीं, हमारे पास तो सब कुछ है तो हम अमीर हो गए फिर। ये यहाँ मतलब है। वॉट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, इज़ इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग? आंसर डिसिसिवली। फिर उन्होंने पूछा कि एक असली ब्राह्मण किस गुण से बनता है? जन्म से होता है असली ब्राह्मण, गुड कंडक्ट अच्छे आचरण से होता है, या लर्निंग से सीखने से होता है? तो इन्होंने जवाब दिया, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, गुड कंडक्ट अलोन डज। यानी कि जन्म से और कुछ सीख लेने से, यानी किताबें पढ़ लेने से, कोई बड़ी डिग्री ले लेने से, और जन्म से यानी कि हम किसी ऐसे घर में पैदा हुए ब्राह्मण के, और ये भी समझ लो कि जो ब्राह्मण यहाँ बोला गया है, पुराने ज़माने में ब्राह्मण उनको कहा जाता था जो बहुत पढ़े लिखे, लिटरेट, समझदार वो लोग हुआ करते थे। और आज जैसे ये जो बात आ रही है कि क्या सिर्फ उस घर में ब्राह्मण घर में जन्म ले लेने से ही कोई ब्राह्मण मान लिया जाएगा, या कि उसने कोई अगर जो लोग जितनी पढ़ाई ब्राह्मण करते हैं अगर कोई उतनी पढ़ाई कर ले तो ब्राह्मण मान लिया जाएगा? तो उसका ये जवाब दे रहे हैं कि बर्थ एंड लर्निंग यानी जन्म और उसकी जो पढ़ाई लिखाई है वो उससे सिर्फ ब्राह्मण नहीं कोई माना जा सकता, बल्कि गुड कंडक्ट अलोन डज, सिर्फ अच्छे आचरण से ही, ब्राह्मणों जैसा आचरण करने से ही ब्राह्मण बन सकता है। हाउ एवर लर्नेड अ पर्सन मे बी, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। और चाहे कोई जितना भी लर्नेड हो जाए, पढ़ा लिखा हो जाए, वो ब्राह्मण नहीं कहला पाएगा जब तक कि वो अपनी उसके अंदर अगर कोई गलत आदतें हैं वो अगर उसके अंदर हैं और वो उसने नहीं छोड़ी हैं तो वो ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। इवन दो ही मे बी लर्न इन फोर वेदास, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास। और चाहे उसने चार वेद पढ़ रखे हों तब भी एक इंसान, एक कोई भी जो जन्म से अगर ब्राह्मण भी है और उसने चार वेद भी पढ़ लिए, लेकिन अगर उसके आचरण ठीक नहीं है, आदतें ठीक नहीं हैं, उसका जो है लोगों से व्यवहार ठीक नहीं है, लोगों से डीलिंग सही नहीं है, तो फिर वो ब्राह्मण नहीं कहला पाएगा। फिर है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में सबसे बड़ी आश्चर्य की चीज़ क्या है? अब यहाँ इन्होंने जवाब दिया है कि एवरी मैन सीज क्रीचर्स डिपार्ट टू यमाज किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वॉन्ट टू लिव फॉर एवर। कि इन्होंने ये जवाब दिया कि हम इंसान जो है वो रोज़ जो प्राणी हैं, सारे प्राणियों में इंसान भी हैं, जानवर भी हैं, चिड़ियाँ भी हैं, सबको ही हैं, तो सबको
जो है यम के किंगडम में डिपार्ट होते हुए देखते हैं। यम के किंगडम का मतलब जो यमराज हैं वो उनका जो किंगडम है उसको यमलोक कहा जाता है। तो यमलोक का मतलब जाने से डिपार्ट का मतलब के यम के किंगडम में जाना, यमलोक में जाना। यमलोक में जाने का मतलब मरना, मर के ही कोई यमलोक जा सकते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हर दिन इंसान दूसरे लोगों को मरते हुए देखता है, यमलोक जाते हुए देखता है, और फिर भी जो लोग बच जाते हैं वो उनके अंदर ये इच्छा होती है कि वो ये चाहते हैं कि वो हमेशा ज़िंदा रहें। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, ये वाकई में सबसे बड़े एक आश्चर्य की बात है। दस द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। तो यक्ष थे, उन्होंने तमाम बहुत सारे और सवाल किए, और युधिष्ठिर जो है सब सवालों के जवाब देते चले गए। इन दी एंड द यक्ष आस्ट, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ। कि जब उनने सारे इतने सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया तो जो यक्ष की आवाज़ आ रही थी उसने कहा कि ओ किंग, हे राजा, अब तुमने इतने सवालों का जवाब दे दिया है, तो अब तुम अपने जो मरे हुए भाई हैं उनमें से तुम किसी एक को जिंदा करवा सकते हो। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट ही कुड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन लोटस आइड ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल लाइंग लाइक अ फॉलन एबनी ट्री माइट अराइज। के पहले एक मोमेंट यानी थोड़ी देर लगी युधिष्ठिर को सोचने में, एंड देन ही वेस्ट, फिर उनने चाहा कि भाई अपना एक इच्छा बताई उनको, यक्ष को, कि द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, क्लाउड का मतलब होता है बादल, कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है रंग, कि जिसका मेघ वर्ण, जिसको हिंदी में बोला जाता है मेघ वर्ण, और बादलों जैसा रंग, यानी बादल बादल जब आपने देखा होगा जब बारिश होने वाली होती है तो जिस तरह का रंग होता है हल्का सांवला सा, वैसा रंग था उनका नकुल का। लोटस आइड, कमल की तरह आँखें थीं, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ा सीना था, लॉन्ग आर्म्ड, लंबे हाथ थे। ये उनके मतलब बारे में, नकुल के बारे में ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि उनकी कदकाठी किस तरह की थी, कैसे वो दिखते थे। तो नकुल को उनने बोला जिंदा करने के लिए यक्ष से, और लाइंग लाइक अ फॉलन एबनी ट्री, एबनी ट्री एक पेड़ होता है काला सा, बड़ा लंबा चौड़ा पेड़ होता है। तो जब वो ज़मीन पे ये लोग पड़े हुए थे, इनके पांडव जो भाई थे युधिष्ठिर के, तो जो नकुल थे वो एक काले एबनी ट्री की तरह ज़मीन पे पड़े हुए थे, और इनका जो पूरा जो शारीरिक वर्णन है ये ऊपर हुआ कि इनका जो रंग था वो इस तरह का था, बादलों की तरह से सांवला, और ये चीज़ें थी। तो उनको इनने चाहा कि ये इनको जिंदा कर दिया जाए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, हु वॉज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। आई हैव हर्ड दैट भीमा द इज़ मोस्ट डियर टू यू, एंड वाई नॉट अर्जुना हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन। तो उनने, ये यक्ष ने कहा कि वो खुश तो हुए ये सुन के युधिष्ठिर की बात को, कि नकुल को युधिष्ठिर ने बोला जिंदा करने के लिए। फिर उनने पूछा कि तुमने नकुल को ही क्यों चुना भीम और अर्जुन के बजाय। भीम जो कि जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके अंदर जो है 16,000 हाथियों की ताकत थी, और उनने बताया कि मैंने ये भी सुना है कि तुम भीम को बहुत चाहते हो, एंड वाई नॉट अर्जुना हुज़ स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज़ योर प्रोटेक्शन, जिसकी ताकत जो है वो तुम्हारी एक तरीके से रक्षक है, अर्जुन की ताकत। टेल मी वाई यू चूज़ नकुला रादर देन ईदर ऑफ दीज टू, इन दोनों के बजाय तुमने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, ने जवाब दिया, ओ यक्ष, धर्मा इज़ द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुना। कि उनने ये बोला कि ओ यक्ष, इंसान का जो रक्षक होता है वो सिर्फ धर्म होता है, भीम या अर्जुन रक्षक नहीं हो सकते, मेरा रक्षक धर्म हो सकता है। इफ़ धर्म इज़ गिवेन अप मैन विल बी रूइंड, अगर धर्म त्याग दिया जाए, धर्म का रास्ता छोड़ दिया जाए, तो इंसान रूइंड हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कि मेरे पिता की दो पत्नियाँ थीं कुंती एंड माद्री।
आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती एंड शी इज़ नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, यानी जो मेरे पिता की दो पत्नियां थीं उसमें से मैं जिंदा हूं, जो कि मैं कुंती का पुत्र हूं, और तो जो मेरे जिंदा होने की वजह से जो कुंती हैं वो पूरी तरह से वंचित नहीं रहेंगे, उनका एक बेटा तो रहेगा। एंड इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन, आई आस्क द मादरी सन नकुला मेरे वाइफ, के जो न्याय का तो जो तराजू होता है वो उसके दोनों पल्ले बराबर रहें, न्याय पूरी तरह से होना चाहिए। तो इसलिए जब जो मेरे पिता की दो पत्नियां थीं, एक का मैं पुत्र हूँ और दूसरे का जो मादरी थी उनका जो पुत्र नकुल है, तो इसलिए नकुल को जीवित रहना चाहिए ताकि मेरे पिता की दोनों पत्नियों का कम से कम एक एक पुत्र जीवित रहे। तो इसलिए मैंने नकुल को जिंदा करने के लिए बोला, ये उन्होंने कहा। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज विथ युधिष्ठिरा'स इम्पार्शियलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, कि जो यक्ष था वो इतना ज़्यादा और ज़्यादा प्रसन्न हुआ युधिष्ठिर की बात सुन के। इसीलिए धर्मराज कहा जाता था युधिष्ठिर को, कि वो हर चीज़ में धर्म और न्याय की बात पहले सोचते थे। तो वो और ज़्यादा प्रसन्न हो गए कि ये चाहते तो अपने मनपसंद अपने भाई को, या जो ये चाहते कि भाई आगे की जो लड़ाई में जो सबसे ज़्यादा काम आ सकता है, जो मेरी रक्षा कर सकता है, मेरे साथ ज़्यादा ताकत के साथ मेरे सारे कामों को आगे बढ़ा सकता है, उसको ही मैं जिंदा कराऊं। लेकिन उन्होंने ये सब चीज़ें ना सोच के क्या सोचा कि नहीं, न्याय होना चाहिए, और मेरे पिता की जो दो पत्नियाँ थीं तो कम से कम दोनों का एक एक पुत्र जीवित रहे, तो न्याय होना चाहिए, ये उन्होंने सोचा। अब आगे है, इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम। तो एक्चुअल में तो वो यम थे, यमराज थे, जिन्होंने यक्ष का रूप लेके वहाँ पे आए हुए थे कि जिसको युधिष्ठिर को का ये टेस्ट ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम देन ही डिसअपियर्ड। तो इन्होंने जब ये सब हो गया, इनके सारे भाई जीवित हो गए, तो इन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, उनको आशीर्वाद दिया और डिसअपियर्ड, यानी कि अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए वहाँ से। तो ये इसका चैप्टर आपका ये एंड हो गया यहाँ पर। इससे आपको ये समझ में आया होगा कि इस पूरे चैप्टर में आपने क्या समझा, क्या पढ़ा, इसके राइटर के बारे में समझ लिया होगा आपने। चैप्टर जो है वो महाभारत का एक प्रसंग है, एक पार्ट है, जो महाभारत इन्होंने सी राजगोपालाचारी ने इंग्लिश में लिखी थी, उसी में से ये एक पार्ट लिया गया है। और ये जो वो पार्ट है, तो ये यक्ष वाला जो पूरा एक चैप्टर है वो लिया गया है, उसमें जो सवाल जवाब हुए हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। और इनका जो इंटेंशन है कि जिससे कि हम ये समझें कि लाइफ में क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद है आपने ये लेसन अच्छी तरह समझा होगा, और अब इसमें आपको जो आगे एक्सरसाइजेज और ये ग्लॉसरी वर्ड मीनिंग्स की है, इसको आपको ठीक से इसको लर्न करिए, अपना वोकेबलरी बढ़ाइए, और किसी भी लैंग्वेज को अच्छी तरह से कमांड करने का और वर्ड पावर बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि स्टोरीज़ पढ़िए और उनके बीच में जो वर्ड्स मिलते हैं उनके ट्रांसलेशन करके, मीनिंग उनके निकाल के, और स्टोरी को पूरी तरह से समझते जाइए। तो इससे आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इसको प्रैक्टिस करिए, इसके जो वर्ड्स मीनिंग है उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए इनको सेंटेंसेस में यूज़ करने की कोशिश करिए। अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाइए वर्ड्स को यूज़ करके, जिससे कि आपका ये और इम्प्रूव होगा वर्ड पावर। तो अगले वीडियोस में या आगे आपको दूसरे चैप्टर और आगे की एक्सरसाइजेस के लिए फिर दूसरे वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।